छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा का शानदार प्रदर्शन, तेलंगाना में कांग्रेस की निर्णायक बढ़त। जनता ने कांग्रेस और उसकी जाति आधारित रणनीति को किया खारिज, कहा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। रायपुर जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशी अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से चल रहे आगे। और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि मोदी की गारंटी और कार्यकर्ताओं की मेहनत से भाजपा को मिला आशीर्वाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं काजल साहू। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, इन 4 राज्यों की सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम है। इन 4 राज्यों के मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। अब से कुछ घंटों के बाद ये साफ हो जाएगा कि कहां पर किसकी सरकार बनेगी। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है और आए रुझानों के बाद अब तस्वीरें साफ होने लगी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस जीत के रथ पर सवार नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। सभी 90 विधानसभा सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सभी 33 जिला मुख्यालयों में मतगणना जारी है। सभी सीटों पर परिणाम आने में अभी कुछ विलंब है। राज्य के कुल 90 सीटों में से 54 पर भाजपा प्रत्याशी आगे हैं, वहीं सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस 33 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा 1 सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उम्मीदवार, 1 बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार और 1 सीट पर CPI का प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। पाटन सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आगे चल रहे हैं। इसके अलावा लोरमी से अरुण साव, तखतपुर से धर्मजीत सिंह, बिल्हा से धर्मलाल कौशिक, बिलासपुर से अमर अग्रवाल, जांजगीर चांपा से नारायण चंदेल भी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं रायगढ़ सीट से भाजपा प्रत्याशी OP चौधरी और खरसिया सीट से कांग्रेस के उमेश पटेल बढ़त बनाए हुए हैं। रायपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं साजा से रविन्द्र चौबे अपने निकटतम प्रत्याशी भाजपा के ईश्वर साहू से पीछे चल रहे हैं। ताजा रुझानों के अनुसार बस्तर संभाग की 12 सीटों में से कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर, चित्रकूट और दंतेवाड़ा भाजपा प्रत्याशी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के तहत 3 जिलों में कोरिया के 3 सीटों पर विधानसभा की चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी। इस बार के चुनाव में 3 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से आगे चल रहे हैं। मतगणना के ताजा रुझानों के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कोरिया से सीधे जुड़ रहे हैं, नीलेश तिवारी। हमारे साथ हमारे संवाददाता कोरिया से जुड़ चुके हैं। नीलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जनता क्या बदलाव चाह रही थी एग्जिट पोल के नतीजे और इस नतीजों में, जो रुझान में जो नतीजे आ रहे हैं, उसमें काफी फर्क देखने को मिल रहा है। जी, जनता को ये उम्मीद नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी को बैकुंठपुर विधानसभा हो या भरतपुर सोनहत या मलिनगढ़, इतने मतों से विजय प्राप्त होगी और बढ़त बनाएगी। लेकिन यहाँ पर बैकुंठपुर विधानसभा की बात करें तो 20,000 से अधिक मतों से भाजपा प्रत्याशी भैयालाल राजवाड़े अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। अच्छा, स्थानीय मुद्दों के अगर बात करें तो स्थानीय मुद्दे क्या भाजपा पे, भाजपा के जो रुझान है उस पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो मोदी की गारंटी है उसका जादू यहाँ पे चलते हुए दिख रहा है? जहाँ तक स्थानीय मुद्दे की बात की जाए तो इस बार
मतदाता साइलेंट रहा है। अभी लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बढ़त मिलेगी या भाजपा या कांग्रेस को जीत मिलेगी, लेकिन ये परिणाम में दिखाई दिया कि भारतीय जनता के प्रत्याशी भैया राजवाड़े को 20,000 से अधिक वोटों से बढ़त मिल रही है। आपके विधानसभा में क्या स्थिति अभी बनी हुई है, कौन से प्रत्याशी जो है आगे चल रहे हैं? अभी बैकुंठपुर विधानसभा से पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े लगभग 24,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं भरतपुर सोनहत विधानसभा से केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह भी 7,000 वोट से लगभग बढ़त बनाए हुए हैं। मणिनगर विधानसभा की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी श्याम बिहारी जायसवाल भी 6,000 वोट से अभी बढ़त बनाए हुए हैं लगातार। जी, 2018 चुनाव की बात करें और 2023 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 2018 की तुलना में क्या अभी का जो है रुझान है उसमें आप देख पा रहे हैं वहां पे? 2018 की तुलना अगर अपन करते हैं तो 2018 में उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस के अविभाजित कोरिया में तीनों सीट आएगी, वही परिणाम यहाँ उसके बदले उलट हुआ है। अभी भी कोरिया के विभाजित तीनों सीटों में बढ़त बनाए हुए हैं जिसकी उम्मीद यहाँ पे लोगों की नहीं थी। अगर बात की जाए मनेनगढ़, भरतपुर और चिरमिरी को अलग किया गया था, एक नए राज्य का दर्जा दिया गया था, तो क्या इसका जो है प्रदेश का दर्जा दिया गया था, माफ कीजिएगा, तो इस जिले का अगर दर्जा दिया गया था तो क्या कांग्रेस को इसके पक्ष में वोट मिले या नहीं मिले? आपको बता दूं कोरिया विभाजन का मुद्दा ही मुख्य रूप रहा, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को निश्चित रूप से अविभाजित कोरिया के कोरिया जिले में भी और नए एमसीवी जिले में भी मतदान प्रतिशत के रूप में नुकसान हुआ है। जी निलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते खबरों में आगे, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के रुझानों से ये पता चलता है कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विश्वास व्यक्त किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस और उसकी जाति आधारित राजनीति को खारिज कर दिया है। श्री ठाकुर ने कहा कि लोग सुशासन और विकास के साथ डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। ने यह दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, और इन चुनावों में भी यह स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। जहां भ्रष्टाचार करो और भूपे करो ये इस तरह चिपका है कि महादेव आपके बात तो और चिपका है, वहीं पर राजस्थान की महिलाओं ने मन बना लिया था कि बहुत हुआ अत्याचार और भ्रष्टाचार, अब माफ करो कांग्रेस की सरकार। कुल मिलाकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर वापस मोहर लगी है, मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है, और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी वहां जनता ने पूरी तरह नकारा है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से रुझान अभी तक मिल रहे हैं इससे यहां भाजपा स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अब से कुछ देर पहले दूरदर्शन समाचार के साथ बातचीत में कहा कि उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के पक्ष में लहर दिखाई दे रही थी, वहीं कांग्रेस की कुछ नीतियों को लेकर जनता के मन में आक्रोश भी था। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा किया है, यही वजह है कि रुझान भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। और इतना बड़ा अंडरकरंट होगा इसका एहसास समानता लोगों को नहीं हो पा रहा था, मगर मैं इस बात को लगातार रिपीट कर रहा था। मेरी बात को लोग भरोसा कितना करते हैं मैं नहीं जानता, मगर मैं मीडिया के माध्यम से रोज बोल रहा था, एक ही बात को रिपीट पर रिपीट कर रहा था कि जबरदस्त अंडरकरंट है और भूपेश को छत्तीसगढ़ की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, उसके चेहरे को हराना चाहती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के तहत जांजगीर चांपा जिले की 6 विधानसभा सीटों पर जांजगीर चांपा, अकलतरा, पामगढ़,
सक्ती, चंद्रपुर और जयजयपुर के लिए जिला मुख्यालय जांजगीर चांपा में मतगणना हो रही है। अब तक मतगणना के ताजा रुझानों के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश कुमार। रुपेश, आपसे जानना चाहेंगे जांजगीर चांपा की जो रुझान है उसमें क्या स्थिति है, कौन आगे है, कौन पीछे है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि हम सक्ती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है सक्ती जिले में। तो यहाँ पर देखें तो सक्ती जिले में तीन विधानसभा क्षेत्र आती है, चंद्रपुर, सक्ती और जयजयपुर। जयजयपुर को बसपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन यहाँ पर आज देखें तो कांग्रेस अपना जीत हासिल कर चुकी है। साथ ही साथ बात करें चंद्रपुर विधानसभा की, तो चंद्रपुर विधानसभा का जुदेव का गढ़ माना जाता था, लेकिन वहां पर भी रामकुमार यादव जो वर्तमान में भी कांग्रेस के प्रत्याशी भी है, वर्तमान में विधायक भी है, वो भी करीबन यहाँ से अपना जीत हासिल कर रहे हैं। और सक्ती जिले की बात करें तो सक्ती जिले में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, वो भी यहाँ करीबन 8000 वोट से अभी आगे चल रही है। ऐसी बात करें अगर हम जांजगीर चांपा की, तो जांजगीर चांपा में जांजगीर चांपा के अंतर्गत नारायण चंद्र जी आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ बात करें अकलतरा विधानसभा की, तो अकलतरा विधानसभा के अंतर्गत अभी राघवेंद्र सिंह जी को जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो काफी आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ बात करें पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संतोष लहरे जी आगे चल रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे रुपेश कि प्रधानमंत्री पर विश्वास जताया है लोगों ने या फिर राज्य सरकार की विफलता पर जनादेश दिया गया है? बात करें तो राज्य सरकार की कुछ कुछ योजनाएं जो जनताओं के हित के लिए जो लागू की गई थी उनको जनताओं के बीच नहीं पहुंच पाई है। इस कारण कहीं ना कहीं देखें तो जनताओं पर कहीं ना राज्य सरकार के ऊपर थोड़ा आक्रोश है। बात करें सक्ती जिले की, तो सक्ती जिले में तीन विधानसभा क्षेत्र आती है जहां पर तीनों सीटों पर कांग्रेस अपना जीत हासिल करने जा रही है। फायदा इस कारण यह है कि वहां पर जो नया जिला सक्ती गठन किया गया, इसके कारण वहां तीनों विधानसभा पर कांग्रेस अपनी जीत हासिल कर रही है। बात करें जांजगीर चांपा के अंतर्गत, तो जांजगीर चांपा में जो विधानसभा क्षेत्र जांजगीर चांपा है वहां पर भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन वहां पर अभी वर्तमान में नारायण चंद्र जी हैं, वो अपना जीत हासिल वहां पर कर रही है। और बात करें यहाँ की जो योजनाओं के अंतर्गत, तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं मोदी की गारंटी, उनसे ज्यादा यहाँ की जनताएं हैं फोकस है, खासकर युवाओं वर्गों में। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो कांग्रेस के बड़े नेता है रविंद्र चौबे, उनके वो जो वोट है वो पीछे दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनका कारण यह है मैडम, जो बात करें तो कहीं कहीं हमारे जो युवा प्रत्याशी, युवा जो मतदाता है, उन लोग काफी जागरूक हो चुके हैं, जान चुके हैं मतलब किस प्रकार से हमें अपने हित के लिए हमें किस प्रकार कैसे हमें प्रत्याशी चाहिए, इस कारण उन्होंने अपने भविष्य देखते हुए अपने आगामी जो प्रत्याशी उनको चयन किए हैं, मतदान किए हैं। जी रुपेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में रुख करेंगे आगे। और छत्तीसगढ़ में भाजपा को बढ़त मिल रही है, पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रधानमंत्री की गारंटी के कारण मतदाताओं का आशीर्वाद जनादेश के रूप में भाजपा को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वे जब से चुनाव प्रचार में लगे हुए थे तब से उन्हें पार्टी के पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा था। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उससे नाराज होकर जनता ने एक बार फिर भाजपा पर विश्वास जताया है। पलट गया। मैं लगातार इस बात को कहते रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है, ये मैं लगातार कहते रहा हूं। 1.5 साल से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूरा प्रदेश घूमा है, जनता से संवाद किया है, कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। उसके दम पर मैं ये कह रहा था कि हमने सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी है, जनता के हर मुद्दों पर हमने काम किया है और इसलिए पूरा भरोसा था कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। और मोदी जी ने लगातार छत्तीसगढ़ की जनता का जो मार्गदर्शन किया, भरोसा दिलाया, मोदी जी के भरोसे पर जनता ने ये अपना मत दिया है। ये आंकड़े जो बता रहे हैं ये किसकी मेहनत का नतीजा है, पार्टी के पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की या प्रधानमंत्री की गारंटी की? देखिए, प्रधानमंत्री जी की गारंटी भी और कार्यकर्ताओं का मेहनत और परिश्रम भी और छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद, इसके कारण से ये परिणाम।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर जिले की सातों विधानसभा सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए हैं। आरंग सीट से कांग्रेस के शिव डहरिया अपने निकटतम प्रत्याशी भाजपा के खुशवंत सिंह से पीछे चल रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार रायपुर दक्षिण से भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू, रायपुर उत्तर से पुरिंदर मिश्रा, रायपुर पश्चिम से राजेश मूणत, अभनपुर से इंद्र कुमार साहू और धरसिवा से अनुज शर्मा अपने निकटतम प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। रायपुर उत्तर सीट में 15 राउंड में गिनती हो रही है। ऐसा लग रहा है कि रायपुर उत्तर का परिणाम सबसे पहले आ सकता है। रायपुर में कुल 123 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।